अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सवेरा नासिर और आप देख रहे हैं किचन में सवेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग हैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बना रोगनी नान, जिसकी टॉपिंग हम लोग कुरकुरे से करेंगे। चलो देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। 2 कप मैदा, नीम गर्म पानी, 4 खाने का चम्मच दही, 1 खाने का चम्मच यीस्ट, 1 खाने का चम्मच ऑयल, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी। मैदे के अंदर हम लोग सब कुछ डाल देंगे, चीनी, नमक, ऑयल, दही और यीस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद देंगे। तो ये मैंने इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद दिया। अब नीचे भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, डो रख देंगे और इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे और इसको एक एयर टाइट बॉक्स में बंद करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है। तो ये हमारा मैदा कितना अच्छा राइस किया, इसको एक दफ़ा दोबारा से गूंद लेंगे इस तरह से। अब नीचे मैदा डस्ट करेंगे और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा मसल लेंगे। इसको बीच में से हाफ कर देंगे, इसका पेड़ा बना लेंगे। तो मैंने इसका पेड़ा बना लिया। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया था और इसको अब अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसको साइडों से भी अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग अपनी डो रख के इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर निशान लगा देंगे, अगर आप चाहें तो उंगलियों के निशान भी लगा सकते हैं। तो मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा देंगे, सिर्फ अंडे की जर्दी लगाएंगे, अंडा नहीं लगाएंगे, इससे फूल जाएगी और बुरी लगेगी। तो ये मैंने लगा दी अंडे की जर्दी। अब इस पर तेल लगाएंगे, इसके ऊपर कुरकुरे की टॉपिंग कर देंगे। तो ये तैयार है पकने के लिए। अब हम इसको पका लेंगे। एक देशके के अंदर मैंने स्टैंड रख के इसको प्री हीट कर लिया। अब इसके अंदर इसको रख देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे, बटर से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो ये हमारा मज़ेदार सा रोगनी नान तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।